मृत्यु जीवन शाश्वत सत्य अटे किंतु मृत्यु को नहीं बहुत लोकों मनरे भिन्न भिन्न धारणा थाए बहुत लोकों मनरे प्रश्न थाए कौन सतरे मृत्यु पर आत्मा को जमलोक को जीवापी पड़ी थाए ना ये सब मिथ्या अटे जदि सत्य ताहले मृत्यु पर जमलोक से केमिति पहुँचे आते दिन समय लगी सब प्राचीन काल प्रश्न श्रीहरि विष्णु को ताक बाहन गरुड़ पचारि भगवान विष्णु मनुष्य जीवन अर्थ मृत्यु पर जीवन अंतिम क्रियाकर्म आ पुनर्जन्म परी सब कथा गरुड़ को गोटी गोटी करी कही गरुड़ पुराण नाम नामित अच्छी गरुड़ पुराण हिंदू धर्मर 18 प्राचीन महाकाव्य मध्यरु गोटे अटे गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु पर आत्मा को जमलोक पहुँचवापी 47 दिन समय लगी थाए 47 दिन आत्मा सहित कौन हो कौन कौन कष्ट आत्मा जमलोक पहुँची थाए आज आम यही वीडियो माध्यम जानिबा से वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखु ताहा पूर्वर यह वीडियो को गोटे लाइक करूँ एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करूँ जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर मृत्यु पाखे आसी थाए प्रथमे व्यक्तिर कथा कहिबा शक्ति चली जाई थाए आउ जेतेबेले अंतिम समय आसे सेतेबेले व्यक्ति को किसी समय पर दिव्य दृष्टि मिले आउ से सारा संसार को गोटे रूप से देखा लगे आउ सब इंद्रिय शीतल पड़ जाए मृत्यु पर जमलोक दुई जमदूत आसती जमदूत को देखी से ही आत्मा डर हा हा कह लगे आर शरीर बाहर को चली आसे जमीती आत्मा शरीर बाहर को चली आसे जमदूत मान आत्मार गलार फाश पकई जमलोक को नहीं जाती गरुड़ पुराण अनुसार जदि मरी व्यक्तिर आत्मा पवित्र थाए ताहले ताकु परमात्मा निजे ताको बाहनारे नेबापाई आसंती किंतु जदि आत्मा पापी थाए ताहले ताकु गरम वायु अंधार रास्ता दे आउ निर्जातना दे जमालोक को निया जाए थाए एहा परे जमराजों को आदेश अनुसारे 13 दिन पर्यंत निजर कार्य संपादन करिबापाई आकाशमार्गरु आत्मा को पुणी ताको निज घरे छाड़ी दिया जाए थाए घरे पहुँचवा पर आत्मा निज शरीर में पुणि थे प्रवेश करने को चेष्टा करिथाए किंतु जमदूत फासरे बंधा होता कारण से निज शरीर में प्रवेश करिपारी नथाए आत्मा चाहुन थिले मध्य निज शरीर अंतिम कर्म निज आखिरे देखे आउ 12 दिन जाए आत्मा निज परिवार गहन रे ही रही थाए जेते दिन जाए आत्मार पुत्र आदि पिंडदान न करती सेते दिन जाए आत्मा भोकिला सोसिला थाए आउ 10 दिन में दि जाऊ पिंडदान आत्मा को चलवाक शक्ति मिली थाए एथिपाई हिंदू धर्म रे पिंडदान करिबा आवश्यक माना जाए एहापर 13 दिन में जमदूत पुणी आत्मा को धरी नियंती आउ आरंभ हुए जमलोक को यात्रा यात्रा समय रे आत्मा को बैतरणी नदी को पार करने को पड़ी थाए कहुए बंची समय रे मनुष्य जदि गोदान करिथाय ताहले सही गायर लांज को धरी से बैतरणी नदी पार करिथाय अन्यथा एही नदी को पार करने को पापी आत्मा को बहुत कष्टर सामना करने को पड़ी गरुड़ पुराण अनुसार बैतरणी नदी को गंगा नदी रौद्र रूप कहुए यह नदी सबुबले निया बाहर थाए आत्मा को यह नदी को पार करने समय रे बहुत भयंकर जीव मानक सामना करने को पड़ी थाए एवं आत्मा को एमती लगे जमीती ताकु कही से ही नदी भितर बुड़े देवा चाहूपरी पापी आत्मा को यह नदी पार करने को 34 दिन समय लगी थाएपरी भोकिला सोसिला आत्मा जमलोक पहुँची जाए जमलोक पहुँचवा पर चित्रगुप्त से ही व्यक्तिर समस्त लेखाजोखा धर्मराज आगे प्रस्तुत करती आउ से ही आधार रे धर्मराज यह निश्चय करती जे
पापी आत्मा को कौ नरक को पठाइब। गरुड़ पुराण अनुसार पखापाखि 36 प्रकार नरकर उल्लेख करा मनुष्यर कल्पना ठारु अधिक कष्टदायक अटे। से ही प्रकार जो मनुष्य धर्मर पालन करी सत्कर्म करी थाए से बिना कौनसी कष्टरे सीधा स्वर्गलोक को यात्रा करी थाए आउ निज इच्छा अनुसार नुआ जन्म प्राप्त करी पारे। नहले जन्म मृत्युरु मुक्त होई सीधा परमात्मारे विलीन हो जाए। तो यह थिला गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु परर चक्र। तेबे आपण माने जानी पारुथिबे कि बंचितिबा समय रे मनुष्य को केमिति आचरण करिबा दरकार आउ केमिति नुहे। तेबे आपण को ए भिडियोटि किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।